अगर आपको पीरियड्स के दौरान हैवी पेन हो रहे हैं या कि पीरियड्स अनियमित हैं आप डॉक्टर्स के पास विजिट किए और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी यूट्रस में आपकी बच्चेदानी में गांठ है वहीं पर आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है सही जानकारी होना बहुत जरूरी है बदलती हुई लाइफ की वजह से हम महिलाओं के अंदर पीसीओ डी पी सी की समस्या हमारी बच्चेदानी में गांठ हो जाना यानी यूट्रस में फाइब्रॉइड का हो जाना आज इसी के बारे में बात करें तो आपको वीडियो को पूरी अंत तक देखना है और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा, आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी अब मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से योग अभ्यास हैं जो कि आपको निरंतर करने हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा साथ ही इससे आपकी यूट्रस को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी आपके हिप के अराउंड का पेन आपके पैरों का पेन लोवर बैक का पेन ऐसे छू मंतर होगा सारे इन अभ्यासों को करके कि जैसे कि अभी था ही नहीं चलिए शुरुआत करते हैं पैर के तलवों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ लें यानी ज्वाइन सोल ऑफ योर फीट टूगेदर इस तरीके से और जितना भी हो सके अपनी एड़ी को अपने पैल्विक रीजन के करीब लेके आए इसका नाम है बद्ध आसन या इंग्लिश में इसे कॉबलर पोज कहते हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों को फंसा लें और इससे अपने दोनों पैर के पंजों को पकड़ें और इसको लॉक कर दें कमर गर्दन को सीधी रखें और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करेंगे जिससे कि आपके पेल्विक रीजन के अराउंड ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा हिप्स के अराउंड जो स्टिफनेस है वो कम होगी और जो दर्द होता है ना पैर में कमर में ये भी कम होगा तो पीरियड्स के दौरान ये अभ्यास ज़रूर किया करें ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लैप करें इसका अभ्यास आपको कम से कम एक मिनट तो हर रोज़ करना है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप बद्ध कोर्ण आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे ऐसे बटरफ्लाई की तरह आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे जैसे बटरफ्लाई तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है ना उसी तरीके से करना है फिर क्या करें कि अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें जेंटली बहुत जेंटली अपने घुटने को फ्लोर की तरफ ऐसे पुश करें ताकि एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच मिल पाए और इसको कम से कम इस स्ट्रेच को पाँच सेकेंड दस सेकेंड जितना आप कर सकती हैं शुरू शुरू में उतना आप इसको होल्ड करके रखें ऐसे इस तरीके से पूरा का पूरा जो आप स्ट्रेच है अपनी इनर थाइस पर महसूस करेंगी अपने जेनाइटल्स के अराउंड महसूस करेंगी और हिप्स के अराउंड महसूस करेंगी ऐसे होल्ड करके रखें फिर उसके बाद थोड़ा और एक्सटेंडेड स्ट्रेच देंगे अपनी लोवर बैक को दोनों हथेलियों को आप अपने मैट पर ऐसे रखेंगी और धीरे 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 रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और जितना आगे की तरफ ऐसे आप झुकते हुए ऐसे ऐसे धीरे 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 मूव कर सकती हैं वैसे मूव करें इस तरीके से ऐसे और जितना अगर इतना नहीं झुक सकती हैं यहाँ तक आ सकती है यहाँ पर आ जाए और अगर आगे और झुक सकती हैं तो आगे जाते जाएं और अपनी छाती को पैर की तरफ एल्बो को मैट पर और हथेलियों को मैट पर ड्रॉप कर दें और इसको होल्ड करें कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड यहाँ पर और फिर वापस आने के बाद अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और इस तरीके से ऐसे हग कर लें तो इस अभ्यास से आपको बड़ी मदद मिलेगी पैरों लोब बैक के अराउंड जो दर्द होता है स्टिफनेस होती है वो सब छू मंतर करने में आप फिर से पैरों को खोल लें दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें फिर से पैरों को टैप करें ताकि पिछले अभ्यास से जो टेंशन हुई थी उसको छू मंतर किया जा सके तो पुरुष और महिलाएं दोनों इसका अभ्यास कर सकती हैं पुरुषों के भी जननांगों पे भी उनको इतना ही असर देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से पैरों को खोल लिया और अच्छी तरीके से टैप कर लिया और खुद ब खुद आप एक झंझनाहट महसूस करेंगे दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो आसानी से मेरे साथ जुड़कर मेरी निगरानी में रहकर योग का अभ्यास कर सके इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को उनकी हेल्थ कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने के लिए मिला है चाहे वो पीरियड से रिलेटेड समस्या हो पीसीओडी पीसीओएस फाइब्रॉइड की समस्या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इनफर्टिलिटी की समस्या डायबिटीज़ थायराइड हाइपर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या डिप्रेशन हो जाना एंगजाइटी की समस्या अत्यधिक स्ट्रेस लेना रात में नींद न आने की समस्या जॉइंट्स में पेन होना वेट गेन करना या वेट लूज़ करना ऐसी कई सारी समस्याएं जिसमें जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स उभरे भी हैं और उनको लाभ भी बहुत ज्यादा हुए हैं इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हर दिन आपको अलग अलग तरीके के आसन प्राणायाम ध्यान रिलैक्सेशन क्लिनिंग की टेक्निक बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं और हर दिन आपको अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस बताई जाती है इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है अगर आप बिगनर हैं ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है घबराइए नहीं सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं अगर आप इन जूम क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते कोई बात नहीं मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं जो कम्पलीटली कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इन कोर्सेज़ को परचेस करने के बाद कहीं भी किसी भी जगह कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं और ये कोर्सेज भी बिगनर फ्रेंडली है अगर आपको इन कोर्सेज और क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा जो कि की है डब्लू या कि फिर यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दे ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके नंबर पर भेज दी जाए तो बिना देर किए हुए जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक व्हाट्सएप कीजिए शुरू करते हैं अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं चक्की चालनासन का अभ्यास इस अभ्यास में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि चक्की को चलाना है पहले जब इतना आविष्कार नहीं हुआ था साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो हमारे घर में बड़ी बड़ी चक्कियाँ होती थी जिससे हम आटा पीसा करते थे तो उसी चक्की को इमेजिन करके आप क्या करें दोनों पैरों के बीच में एक फुट का फासला रखें दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से फंसाएं ऐसे और एल्बो सीधी रखें और फिर धीरे से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लीन हो जाएं झुक जाएं ऐसे एल्बो लेकिन सीधी रखना है आपको इमेजिन करना है आपने एक चक्की की हैंडल को पकड़ा हुआ है सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे पेट पर दबाव पड़ रहा है लोवर बैक पर खिंचाव आ रहा है और घुटने के पीछे खिंचाव आ रहा है और फिर से पीछे जाए सांस ले और सांस छोड़े सांस ले और सांस छोड़े सांस लें और सांस छोड़े ऐसे तो कम से कम टेन टाइम्स आपने क्लॉकवाइज कर लेना है ऐसे ही और फिर उसके बाद एक डायरेक्शन में कर लिया फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में ऐसे आगे की तरफ झुके ऐसे 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 रीढ़ की हड्डी झुका के नहीं रखेंगे सीधा रखेंगे और फिर ऐसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव यह अभ्यास करने के बाद जब कुछ दिन आपका ऐसा अभ्यास हो जाए ना तो अब अपने पैरों को स्प्लिट भी कर सकती है जितना हो सके जितनी दूरी पर आप एक दू दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर सकती हैं उतना दूर करें अब इसका जब आप अभ्यास करेंगी तो पूरे थाइस के नीचे पेल्विक रीजन के अराउंड आपको और एक्सटेंडेड स्ट्रेच देखने के लिए मिलेगा तो इस तरीके से राइट टू लेफ्ट ऐसे बहुत आगे की तरफ झुकते हुए फिर पीछे की तरफ झुके फिर आगे की तरफ झुकते हुए तो कम से कम टेन टाइम्स एक दिशा में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे आगे की तरफ पूरा झुकेंगे कि आप पूरा दम लगा रही हैं तो इसका इफेक्ट आपको पूरे के पूरे अह यूटर्स पर देखने के लिए मिलेगा और फिर उसके बाद जब एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड करना बिल्कुल ना भूलें बहुत से लोग क्या करते हैं सिर्फ एक साइड अभ्यास कर लेंगे ऐसे इस तरीके से ऐसे फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, दोनों पैरों को फिर से खोलें, पैरों को टैप करें इस तरीके से और खिंचाव बहुत अच्छा आ गया है पैरों में ना तो आराम से ऐसे पैरों को हक वो दूर भाग जाए अब अगला अभ्यास करेंगे आपने कभी ना कभी नाव तो चलाया होगा या, या नाव को चलाने वालों को देखा जरूर होगा उसी से प्रेरित होके अगले आसन का अभ्यास करेंगे हम कर रहे हैं नौका संचालन आसन का अभ्यास इस अभ्यास को करने के लिए आपको दोनों पैरों को ऐसे खोल के बैठ जाना है बॉडी के सामने एड़ियों को और अंगूठों को जोड़ के रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर जुड़ ना पाए तो थोड़ा सा फासला करने में भी कोई दिक्कत नहीं है इस आसन के अभ्यास से आपके पेट पर बड़ी अच्छी मसाज मिलेगी मालिश होगी पेट पेट की साथ ही लोअर बैक पर खिंचाव आएगा और कंधों के अराउंड की जो स्टिफनेस है ना वो भी छू अंतर हो जाएगी और एक बहुत अच्छा एक सिंक्रोनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा बॉडी में और ब्रीदिंग में साथ ही ये आपके तंत्रिका तंत्र को भी बहुत स्वस्थ रखेगा तो इमेजिन करें कि आपने अपने हाथों में चप्पू पकड़ा हुआ है जब नाव चलाते हैं ना उस समय जो चप्पू होता है पैडल होता है उसको अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा हुआ है सामने देखें कॉन्फिडेंट रहे ठीक है और फिर उसके बाद सामने की तरफ झुकेंगे जब तो आपके पेट पर थाई का जो दबाव पड़ रहा है इसको महसूस करें ऐसे फिर पीछे की तरफ आए ऐसे सांस 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 फिर फिर पीछे जाते हुए और फिर आगे जाते हुए सांस ले सांस छोड़े सांस ले सांस छोड़े सांस ले सांस छोड़े ऐसे तो इसका अभ्यास कम से कम दस से पंद्रह बार आपको कर लेना है और अगर अभ्यास थोड़ा और अधिक बढ़ाना है तो आप इसको कम से कम दस से पंद्रह रिपीटेशन के तीन तीन सेट कर लिया करें फिर से अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखेंगे और फिर थोड़ा यहाँ पर हम रेस्ट करेंगे ब्रीद करेंगे ब्रीद करेंगे ब्रीद करेंगे, ब्रीद करेंगे आसन का जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो है एक तो कॉर्ड पर भी इसका अच्छा आएगा। हम अभ्यास कर रहे हैं भरद्वाज आसन का वेरिएशन के साथ करेंगे ताकि सभी महिलाएं इसका अभ्यास देखकर वीडियो को कर सके आपको क्या करना है दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाना है फिर अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ना है ऐसे इस तरीके से मोड़ लिया ऐसे तो इसको साइड में ही रखिएगा साइड से देखिए इधर से ऐसे ऐसे मोड़ लिया है ना ऐसे साइड में रखा फिर उसके बाद आप क्या करेंगी? ऐसे बैठे नीचे है लेकिन घुटने को साइड में मोड़ लिया अगर घुटने में दर्द है तो इस आसन को कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है स्टिफनेस ज्यादा है फिर भी इस आसन को अवॉइड कर दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जितने भी मैंने आसन बताए हैं उसमें से एक दो आसन छूट जाएं क्योंकि आप नहीं कर पा रही हैं अभी कोई बात नहीं उस आसन को स्किप कर दें और दूसरे आसन को करने लग जाएं फिर उसके बाद अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरीके से रखें ऐसे इस तरीके से अब क्या करें कि अपने लेफ्ट पाम को घुटने पर रखें राइट घुटने पर रखें और राइट पाम को बॉडी के पीछे रखें तो साइड से देखें इस तरीके से और पीछे की तरफ ऐसे ट्विस्ट होना है इस तरीके से यहां पर कम से कम इस पॉस्चर को 30 सेकेंड एक साइड होल्ड करें और ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहें इस तरीके से तो इस डीप स्पाइनल ट्विस्ट्स का इफेक्ट आपने पूरे एब्डोमिनल रीजन पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब एक साइड अभ्यास कर लें तो इसी का अभ्यास आपको दूसरी तरफ करना है अब राइट पैर को घुटने से मोड़ा राइट हील को राइट हिप के साइड में रखा राइट टो तो जो है वो आउट है हल्का सा आप अगर काफ को ऐसे बाहर की तरफ पुश कर देंगी ना तो थोड़ा आपको और आराम मिलेगा बैठने में तो ये हो गया पैर की पोजीशन फिर उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रख दिया इस तरीके से फिर राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखा और लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखकर इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे दूसरी साइड से भी जरा देख लीजिए ऐसे इस तरीके से ब्रीद करते रहेंगे ऐसे ब्रीद करते रहेंगे और फिर इस, इस आसन को कम से कम 30 सेकेंड रोकना है तीन सेट करना है आपको तो 30, 30, 30 के तीन हो गए तीन अभ्यास हो गए दोनों साइड आपको करना है यानी राइट साइड भी करना है लेफ्ट साइड भी करना है तीन सेट करना है 30, 30 सेकेंड हर बार रोक के रखना है अगर ज़्यादा रोक सकते हैं तो ज़्यादा रोक के रखें और अगर कम करना चाहते हैं टाइम वो भी कम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से अब जो अगला आसन हम करेंगे हम करेंगे पेट के बल लेट कर करने वाले आसन पेट के बल लेटने के बाद आप आराम से इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं। हम अभ्यास कर रहे हैं धनुरासन का ठीक है धनुरासन से पूरी बैक जो बैक की जो मसल्स हैं, उनमें स्ट्रेच आएगा आपके कंधे आपके स्पाइनल कॉर्ड आपके हिप्स पर असर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और साथ ही पेट पर हल्का दबाव पड़ेगा यूट्रस को भी हल्की मसाज मिलेगी तो इसका अभ्यास करने के लिए आप क्या करें अपने माथे को ऐसे आ, फ्लोर पर ड्रॉप कर दें ऐसे दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें और फिर एक एक करके दोनों पैर के एंकल को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से इस तरीके से ठीक है और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दें सांस लेते हुए अप चेस्ट अप और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी थाई को भी उठाए और छत की तरफ देखने की कोशिश करें और यहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें कम से कम पांच से दस सेकेंड होल्ड करें पॉस्टर को और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दे चेस्ट को ड्रॉप कर दे ऐसे फिर से एक बार देखें सांस लें अगर सांसों को रोक सकते हैं तो रोकें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन होंगी तो उस वक्त नहीं करेंगी क्योंकि पेट के बल आपको लेटना है ना उस वक्त धनुरासन का अभ्यास नहीं करेंगी इसको भी तीन सेट करना है रोकने का जो ड्यूरेशन था वो अपने हिसाब से पाँच सेकंड दस सेकेंड या तीस सेकेंड रोक लेंगी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम अगले आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे पेट के बल लेटने वाला आसन का अभ्यास तो कर लिया अब हम आराम से दूसरे आसन को जो कि धनुरासन का काउंटर पोज होगा ठीक है आप देख रहे हैं मैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से आपको आसनों का अभ्यास बता रही हूँ कि पहले ये कर लीजिए फिर ये कर लीजिए ये फिर ये कर लीजिए सीक्वेंस ताकि एक आसन का अभ्यास करने के बाद दूसरा आसन पिछले आसन की जो टेंशन है उसको दूर भगा दें है ना हम कर रहे हैं रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखा कलाई बॉडी की तरफ अंगूठे बाहर की तरफ उंगलियां बाहर की तरफ इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखेंगे दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से आप मोड़ लेंगे सामने देखेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे और दोनों घुटनों के बीच में ना फासला रहेगा कमर जितना ऐसे जोड़ के नहीं रखेंगे ऐसे दूर रखेंगे ठीक है ऐसे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे से हिप को आप करेंगे ऐसे 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 गर्दन को ढीली छोड़ दें हिप को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठाएं जैसे कि टेबल बिछी हो होल्ड करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड इस तरीके से जब आप अपनी कमर को उठाएं ना तो पूरे हिप्स को थोड़ा सा टाइट करके रखें और अपने पेट को अंदर की तरफ पुल करें ताकि आपके यूट्रस पर बहुत अच्छा दबाव आए और आपकी लोअर बैक में जो पेन है वो भी दूर भाग जाए इस अभ्यास को भी पीरियड्स के दौरान मत कीजिएगा जब पीरियड्स ना हो, तब करें अब धीरे से फिर से एक बार देखिए हिप को उठाया धीरे 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 गर्दन को ढीला छोड़ दिया होल्ड किया पेट को अंदर की तरफ खींचे अपनी बैक को अंदर की तरफ पुल करें करें एंड अब आराम से अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें थोड़ा रेस्ट करें रेस्ट करें फिर उसके बाद आराम से शवासन में आपको लेट जाना है इस तरीके से शवासन में लेटने के बाद थाई को बेली की तरफ लेके आए और इस तरीके से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हुए हग करें अगर उंगलियों नहीं उंगलियों को नहीं फंसा सकते हैं तो थाई के नीचे यहाँ पकड़ लें अगर उंगलियां फंसा सकते हैं तो अपनी शीन बोन के ऊपर यहाँ पर अपनी उंगलियों को फंसाएं और फिर उसके बाद पिछले सारे अभ्यासों का काउंटर स्ट्रेच सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को या नाक को घुटने की तरफ लेके जाएं वन टू थ्री फोर फाइव फिर सांस लें सांस छोड़ें सांसों को रोकें वन टू थ्री फोर फाइव तो इस तरीके से पवनमुक्त आसन का अभ्यास भी कम से कम आपको लगभग तीन सेट जरूर करना है और पाँच सेकेंड दस सेकेंड सांसों को रोक सकते हैं रोके नहीं रोक सकते तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें फिर शवासन में लेट जाएं दोनों पैरों को सीधा करें एक एक करके और आराम से लेटे हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे कम से कम पाँच मिनट तक शवासन में लेटे रहेंगे शवासन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है आपको नॉर्मल के साथ तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कितनी आसानी से समझाया अब मैंने तो अपना काम कर दिया आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अपनी जानने वाली सभी महिलाओं को फॉरवर्ड करें ताकि वो इन योगाभ्यासों अभ्यासों को कर सके और साथ ही उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही जिम्मेदारी है आप खुद भी योग का अभ्यास करें और अपने घर वालों को सभी को मोटिवेट करें कि वो हर दिन योग का अभ्यास करें अगर मेरा प्रयास पसंद आया है ना तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से ग्रो करते रहें और अपनी जो अच्छी अच्छी जानकारी है ये वीडियोस के माध्यम से सभी तक पहुंचा सके आप सभी अपना ख्याल रखिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी नमस्ते